एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, परिवर्तन जिसको एक नियम कहा गया है, कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ परिवर्तन की तरफ ही आगे बढ़ती है। कोई भी चीज़ एक जगह पर रुक नहीं सकती है, इसलिए हमने ये सीखना है प्रकृति से कि हमें भी कहीं रुकना नहीं है, हमें आगे की तरफ ही बढ़ना है, ना कि पीछे की तरफ। बुराइयां तो बहुत सारी हैं, पर हमें उसमें से सिर्फ अच्छाइयों को चुन करके आगे बढ़ना है। इस बात के साथ आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की। हमारे साथ है ब्रह्म कुमार मोहन सिंगल जी। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते भाई जी। हमने बात की थी प्रकृति के बारे में। कहीं ना कहीं प्रकृति अपने आप में एक बैलेंस भी सिखाती है हमारी जिंदगी में। बैलेंस जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो इम्बैलेंस लाइफ हम जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि हमारे अंदर ही उसे बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता है। तो हमें अपने अंदर वो बिलीफ को कैसे वापस लाया जाए? समय जैसा बता रहे थे, परिवर्तनशील है, तो इसीलिए व्यक्ति की नीड्स भी, आवश्यकताएं भी समय अनुसार बदलती जाती है। और अगर उसके आवश्यकता तो कुछ और होती है और इनपुट लाइफ में अगर वैसा नहीं है तो कन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। तो इसीलिए जीवन में देखा गया है कि मैटेरियलिस्टिक लाइफ में हम जीते तो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ने, सभ्यता ने, हमारे माता पिता ने कुछ थोड़ा हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी का बीज बोया हुआ है ना, वो भी समय प्रति समय उजागर हो जाता है जब ऐसी परिस्थिति का जन्म होता है। तो आज एक तो सबसे बड़ा बैलेंस रखने की आवश्यकता है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड मटेरियल वैल्यूज का बैलेंस। क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं, भौतिकवादी संसार है, वो ठीक भी है, सारा समय हम उसमें रहते हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है उस समय हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ते हैं जी। तो स्पिरिचुअल वैल्यू और ये दोनों दो टांगों की तरह है, जैसे मनुष्य के दो टांगे है ना, शरीर बैलेंस रहता है और आगे तेजी से बढ़ सकता है। अगर एक टांग ही ठीक काम कर रही है, दूसरी नहीं, तो होता क्या है कि मनुष्य उतना तेजी से नहीं दौड़ सकता। बस आज समाज में यही बात हो गई है अधिकतर कि भौतिकवादी समाज हो गया है। भारत में तो फिर भी काफी आध्यात्मिकता दिखती है समय प्रति समय। मुझे कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में, रशिया में, दुनिया के विभिन्न भागों में जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि मटेरियल वैल्यूज का इतना ज्यादा प्रभाव है कि स्पिरिचुअलिटी का तो नामो निशान कई जगह से मिट गया है। और उसका कारण फिर क्या होता है, वो रियल लाइफ में दिखता है। फैमिली ब्रेकडाउन्स हैं, डाइवोर्सेस हैं, जीवन के अंदर खुशी का अभाव है, ये सारी चीजें दिखती हैं। तो इसमें ये जैसा मैं बता रहा था, दो टांगे हैं और जब ये दोनों का बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है, सब कुछ भौतिकवादी चीजें होते हुए कभी कभी जीवन में निराशा, मायूसी, उदासी, ये चीजों का प्रादुर्भाव जीवन में हो जाता है। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर हम बात करें डिप्रेशन जी, डिप्रेशन जो आज बहुत ज्यादा हम चारों तरफ देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो जाता है। आज स्टडीज का भी इतना प्रेशर है बच्चों को, जो कि आज 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी अगर हम देखेंगे वो भी डिप्रेशन के शिकार है। वो भी कहते हैं भाई, अरे भाई मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पढ़ाई करनी है, वो भी परेशान है। तो ये छोटा सा शब्द है वैसे तो डिप्रेशन, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। बिल्कुल, इसके पीछे भी आप देखेंगे ना, भले बच्चों में कोई स्पिरिचुअलिटी या उसकी बात नहीं है, लेकिन उनका देखिए बचपन में तो वो स्पिरिचुअलिटी का ही
स्वरूप होते हैं। बैठा बैठा बच्चा मुस्कराएगा, हंसेगा, किसी की भी तरफ हाथ बढ़ा देगा, गोदी में ऐसे जाता है। ये वैल्यूज हैं उसके, मासूमियत ऐसा है जीवन में, किसी के लिए बाइसिंग एटीट्यूड नहीं है। इस कारण से इसी को हम बड़े होकर के स्पिरिचुअल वैल्यूज चाहे बोल दें, लेकिन देखा जाए बचपन में वो बिल्कुल निखालिस होता है और इस कारण से ही वो सबको प्रिय होता है, आकर्षित करता है। इसी बात को शायद ध्यान में रखते हुए जीवन के अंदर ना, चूंकि ये बैलेंस नहीं हो पाता है मटेरियल और स्पिरिचुअल वैल्यूज का, उदासी, मायूसी, डिप्रेशन आती है। इसी रेफरेंस में किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि हो के मायूस नयो, हो के मायूस नयो, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव से चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही दोनों पांव से आगे बढ़ते रहिए। दोनों पांव माने मटेरियल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, दोनों अगर होंगे ना तो जीवन में जीवन बड़ा सहज हो जाएगा, आगे बढ़ते रहेंगे परिवार के अंदर, जीवन में, समाज के अंदर, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? दोनों पांव हैं, फिट हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि मटेरियल वैल्यूज के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज पर भी ध्यान रहे, और स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ डिवोट नहीं करना पड़ता, कोई टाइम एनर्जी नहीं। जीवन के अंदर ना जहाँ जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस बाइट करती है, आप उस चीज को दोबारा जाए उसकी गहराई में, तीसरी बार जाए, चौथी बार जाए, आपको लगेगा कि आपके अंदर जो इनबिल्ट वैल्यूज हैं वो आपको चेतावनी तो दे रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उन चेतावनी की तरफ नहीं, आप उसको ओवरकम करते दबाते हुए बढ़ते हैं, इसीलिए एक तरफ बढ़ते चले जाते हैं और अल्टीमेटली किसी भी प्रकार की निराशा, उदासी, मायूसी, डिप्रेशन उसका जन्म हो जाता है। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड मटेरियल वैल्यूज, और ये हम ज़्यादा दूर नहीं, अपने ही अपने पेरेंट्स में देखेंगे, अपने ही जमाने में और उससे पहले सुना करते थे, कहीं भी कभी इतनी बीमारियां नहीं होती थी, सब स्वस्थ थे, बहुत काफ़ी जीवन के अंदर पॉजिटिविटी थी, क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज तभी भी हुआ करती थी जीवन के अंदर। तो एक तो बैलेंस ये आवश्यक है मटेरियल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज का, और इससे ही कनेक्टेड एक बैलेंस है, बैलेंस ऑफ साइंस, साइलेंस एंड स्पीच, वाणी का और साइलेंस का बैलेंस होता क्या, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कब चुप रहना है, कब बोलना है। एग्जैक्टली, तो साइलेंस का मतलब सिंपली एब्सेंस ऑफ नॉइस नहीं है, साइलेंस मींस वेयर देयर इज नो टर्मोइल इन द माइंड एंड वेयर इज, जहां पर कोई ऐसा मन के अंदर, ऊपर से हम कई बार साइलेंट दिख सकते हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर बहुत बड़ा टर्बुलेंस है, अगर विचारों के अंदर बहुत कहीं ना कहीं कोई समस्या का जन्म है, बहुत विचार तेजी से जा रहे हैं और इस कारण से वो डिप्रेशन को, तनाव को जन्म देता है। मुझे याद आता है शायद कभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, जब विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है कोई ना कोई एडवर्स सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन के कारण, तो तनाव या डिप्रेशन आदि होता है। तो ऐसे ही स्पीच एंड साइलेंस, स्पीच है, इसमें मछली का उदाहरण बड़ा सहज है, मछली जी को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, नदी किनारे कहीं गए, कांटा लगाया, कांटे में कोई मछली का वो लगा दिया भोजन, मछली आती है और कब फंसती है कांटे में, जैसे ही मुंह खोलती है फंस जाती है कांटा, वो कांटा है मछली के ये जकड़े जबड़े में फंस जाता है और मछली पकड़ ली जाती है। क्यों? क्योंकि मुंह खोला। ऐसे ही हम भी बोलने के लिए कई बार मुंह खोलते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का जन्म हो जाता है। इसीलिए हमारे साहित्य में कहा गया है कि स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। मतलब वो साइलेंस, कई बार मौन जो है ये एक बहुत बड़ी भाषा है, मौन कई काफी बातों को कन्वे कर देती है और स्पीच इज सिल्वर, यानी कि मौन की तुलना में स्पीच कम है। इसीलिए स्पीच एंड साइलेंस का बैलेंस ये हम नहीं रख पाते, और इवन सोते समय भी कहने के लिए हम साइलेंस में सो रहे हैं, बट दैट इज नॉट ए साइलेंस, वाणी का, आवाज की एब्सेंस है, लेकिन मन के अंदर साइलेंस ना होके बहुत उसका टर्बुलेंस चल रहा है। Exactly. तो एक ये जीवन में ये बैलेंस बहुत आवश्यक है। इसके लिए यहाँ इसमें संस्था में बहुत अच्छा सिखाते हैं,
थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग में हम अपने माइंड को ऐसा ट्यून कर लें थोड़ी देर के लिए, जैसे ही नींद खुले तुरंत उठते ही काम में न लग रही ये करना है ऐसा करना नहीं, उठते ही बस थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो करके बैठ जाएं और उस समय शांति की शक्ति का आह्वान करें, अपने को हम अपने निज स्वरूप में स्थित करें कि मैं आत्मा शांति स्वरूप शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। उससे क्या होगा, जीवन में पूरे दिन भर में जितनी भी परिस्थितियाँ आएंगी उसमें हम इस स्वरूप के में स्थित होकर जब उसको हैंडल करेंगे ना, तो बड़ा कामली क्वाइटली प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकेंगे और उसमें से उभर के आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यकता यह सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ट्यूनिंग करना जी। और जैसा मॉर्निंग में प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, वैसा फिर सारा दिन होता क्या, उठते ही या तो हम न्यूज़पेपर हाथ में ले लेते हैं, मोबाइल या टीवी, जैसे ही नींद से उठे सबसे पहले हाथ में मोबाइल ही आता है बस। तो उससे क्या होता है, वैसे ही ट्यूनिंग होते, न्यूज़पेपर भी अगर आया उसमें आजकल नेगेटिव खबरें ज्यादा छपती हैं, इसी तरह टीवी में देखा कुछ कोई मतलब पॉजिटिविटी, जितना सुबह सुबह हम पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगे वो चार्ज, मोबाइल चार्ज होता है सारा दिन भर काम होता है, लेकिन हमारा माइंड अगर चार्ज नहीं हुआ पॉजिटिवली तो दिन भर में चैलेंजिंग सिचुएशन आती रहेंगी, कभी हम उनसे हार खा लेंगे, कभी उनसे निराश हो जाएंगे, हो सकता है उन पर विजय भी प्राप्त करते रहें, लेकिन उसके लिए शक्ति की जरूरत है जी। तो एक ये बैलेंस की जरूरत है। इसके साथ साथ इसी से कनेक्टेड जो है वो है लव एंड लॉ का बैलेंस, यानी कि स्नेह का बैलेंस अनुशासन के साथ। होता क्या, हम परिवार में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं भी हो, मानो कोई जो हमारे अंडर में है थोड़ी भी गलती हो गई, इमीडिएटली हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि चीज बनने की बजाय बिगड़ जाती है। बिल्कुल। हर एक का अपना अपना सेल्फ एस्टीम होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो अगर गलती सबसे ही होती है, लेकिन गलती होते हुए भी पहले अगर हम उसे कोई शिक्षा देना चाहते हैं ना, तो आवश्यकता ये पहले हम उसका माइंड रिसेप्टिव करें जी। और रिसेप्टिव उसका माइंड होता है सेल्फ एस्टीम उसकी बढ़ाने से जी। तो उस समय गलती हुई उस बात को उतनी तवज्जो न दे करके पहले हम उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं, उसकी पुरानी सक्सेसफुल बातें याद दिलाएं, और उसके बाद यानी कि लव का स्वरूप बन जाए, स्नेह का स्वरूप बन जाए, और स्नेह का स्वरूप बनने के साथ साथ जब उसका माइंड बहुत रिसेप्टिव होता जाएगा, उसके बाद हम अगर उसको जो शिक्षा कंसर्न होगी, भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ये नुकसान हुआ, तो वो इमीडिएटली रिसीव कर लेगा और खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि ऐसे, लेकिन उसके लिए हमारा स्नेह स्वरूप बनना बहुत आवश्यक है। और इसी को ही कहा जाता है कि अप्रिशिएट, हाँ, करना अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड करेक्शन इन प्राइवेट। या क्योंकि मैंने एक और चीज नोटिस की है, जैसे बच्चों की होती है, बड़ों को तो हम नहीं बोलते सबके बीच में, अगर हम एज अ वाइफ अगर एक हस्बैंड अपने कुछ बोलना चाहती है तो भाई चलो भाई बाजू में चलो मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन अगर बच्चे की बात आती है तो लोगों के बीच में चार लोग हम देखते नहीं खड़े हैं, एक दे दिया हाथ से, तो उससे क्या हो जाता है बच्चे के अंदर भी होता है कि अरे, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है राइट, तो वो चीज हम कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस पे हम हैम्पर कर रहे हैं। और इसीलिए ही अक्सर करके कहा जाता है ये इस बैलेंस के अंतर्गत ही कि व्हेन यू आर हैंडलिंग योरसेल्फ यूज योर ब्रेन एंड व्हेन यू आर यूजिंग अदर्स यूज योर हार्ट। क्योंकि अपना दिल से ना हम अगर दूसरे को हैंडल करेंगे, दिल अर्थात प्यार का प्रतीक, दिल अर्थात लेफ्ट में होता है राइट ब्रेन का प्रतीक, एंड राइट ब्रेन डील्स विद लव अफेक्शन वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग, ये सारे जो दिव्य गुण हैं शक्तियां हैं ये राइट ब्रेन डील करता है। राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है जी। और लेफ्ट में हार्ट है जैसे, तो इस कारण से ये फॉर डीलिंग अदर्स, जब दूसरों की बातें हो तो बच्चे को किसी को भी डील कर रहे हैं उस समय अपना ब्रेन की लॉजिक यूज ना करें, उस समय हार्ट, और हार्ट से एसोसिएटेड है प्रेम स्नेह सद्भावना शुभ भावना जी। तो उससे करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी होगी वो छोटी हो जाएगी। बट होता क्या है, हम अपने को बाई हार्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं, चलो ऐसा होता ही है चलता ही है,
लेकिन दूसरे के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदर शुड बी परफेक्ट एनफ एज पर माई एक्सपेक्टेशन. उस समय हम अपना लॉजिक ब्रेन यूज करते हैं और होना इससे रिवर्स चाहिए. तो इसीलिए जब भी हम दूसरों को डील करें ना, तो हमेशा अपना हार्ट यूज करें, दिल का यूज करें, और उसमें दिल से कनेक्टेड जो बातें ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगी. जब बच्चा होता है या जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा दिल यूज होता है. जी. जीवन में लाइए जिनके प्रति हमारा बहुत प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, जिनके प्रति हमारी सद्भावना है, वहाँ दिमाग वाली लॉजिक वाली बात नहीं होगी, उसने ये कहा था ऐसा कर, नहीं, नहीं चलती है, प्रेम की बात. एंड जब अपना है खुद, तो हम अपने को ब्रेन यूज करें. तो आवश्यकता ये है जीवन में अलग अलग जो बैलेंस है ना, और वो बैलेंस रखने की आवश्यकता. लेकिन ज्यादातर बैलेंस डायगनली अपोजिट है, तो इसीलिए डायगनली अपोजिट को, क्योंकि किस समय कौन सी परिस्थिति आती है वी डोंट नो. कोई परिस्थिति मिक्स्ड भी होती है तो उसका एक पार्ट हमें कभी यूज करना पड़ता है, दूसरा पार्ट कभी यूज करना पड़ता है. इसलिए आवश्यकता यह है एक हम ये यूज करें. और ये लव एंड लॉ ये ऑफिस में भी कार्य में आता है, परिवार में भी आता है, समाज में भी आता है, हर जगह ये आता है कि कहाँ पर हमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, कहाँ पर हमें स्नेह से संपन्न कार्रवाई करनी है. हाँ जी, एक और बात अभी मेरे दिमाग में आई, जैसे बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं माइंड, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा, लोग माइंड से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं, लेकिन बहुत ही कम सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है जो बैलेंस्ड होते हैं माइंड से भी और बॉडी और हार्ट से भी. तो ऐसे में बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? ये अपने बहुत अप्रोप्रिएट प्रश्न पूछा, जिसकी वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय हम ब्रेन का लेफ्ट पार्ट ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव बिकम द मैन ऑफ एक्शन. एक्शन और लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस, कैलकुलेशन, फाइनेंस, ऑल दीज आर डेल्ट बाय द लेफ्ट पार्ट. इन्हीं में ही हमारा सारा जीवन चला जाता है. इसीलिए राइट पार्ट हम बहुत कम, विच इज नोन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड लेफ्ट पार्ट इज ऑल नोन एज मेल पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो इसीलिए मैन ऑफ एक्शन की वजह से हम ये यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो बैलेंस बिगड़ गया है सबसे पहले माइंड में. और मेडिटेशन और योगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. इसीलिए आज अक्सर करके देखा जाता है कि ए वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बहुत सफल है ऑफिस में, ही फेल्स मिजरेबली एट हिज डोमेस्टिक फ्रंट. वहाँ पर फेल हो जाता है, और समटाइम्स वाइस वर्सा. लेकिन अच्छा एग्जीक्यूटिव होना ही वो जरूरी नहीं है. उसके लिए आप अपना लेफ्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कुछ मार्जिन राइट पार्ट के लिए भी रखिए. और इसीलिए मैंने देखा अक्सर करके ना विदेशों में खास करके क्या होता है, आपको फोर्स्ड लीव दी जाती है. आपने काम किया 10 महीना 11 महीना, वो आपको 1 महीना 2 महीना छुट्टी पर जाना ही है, जिससे फैमिली पर डिवोट करें आप टाइम, बच्चों के साथ डिवोट करें, किसी प्रकृति की गोद में जाकर, जहां ऑफिस की बात कम्प्लीटली भूल जाए. लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि इवन जो छुट्टियां हैं उनकी भी एनकैशमेंट की प्रोविजन है. वो छुट्टी एनकैशमेंट करने के चक्कर में, वो छुट्टी को एनकैशमेंट कर लिया जाता है, तो जो स्कोप रहता है मार्जिन 15-20 दिन महीना फैमिली के साथ, एक अंत में अलग प्रकृति के साथ डिवोट करने का, वो हम गवा देते हैं. क्यों? क्योंकि पैसा मिल जाता है एनकैशमेंट के रूप और कहीं ना कहीं फिर मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, जैसे हम बात कर रहे हैं, और हमारे परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं. विदेशों में तो इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत बहुत जो भी बिजी होते हैं ना, वो भी छुट्टी पर जरूर जाते हैं. हर एक जाता है, ये एक रिचार्ज करने का वो स्कोप है. इसीलिए ये बैलेंस लाइफ में उनका ज्यादा डेवलप रहता है, और फिर अपने काम में वो ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं. और जीवन में इसी तरह एक और जो बहुत आवश्यक है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी का बैलेंस. सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी, क्योंकि आजकल ऐसा समय है जब आपको ह्यूमिलिटी तो आवश्यक है ही है, लेकिन कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट को हम ताक पर रख देते हैं. बॉस है, हमें मालूम है किस चीज से खुश होगा, बस बहुत ज्यादा, जैसे आजकल की भाषा में मक्खन लगाना जिसे कह देते हैं, बटरिंग करना,
वो कर रहे हैं भले हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है, और उस चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार ताक पर चली जाती है। अक्सर करके न्यूज़ वगैरह में आता है, टीवी में, फलाने आदमी ने पॉलिटिशियन का उसका जूता पकड़ा, उसका ये करा, मतलब ऐसे ऐसे काम जिसमें वो खुश नजर आए लेकिन हमारी अपनी सेल्फ एस्टीम जीरो हो जाती है। तो ये आवश्यक है सेल्फ एस्टीम, लेकिन ह्यूमिलिटी भी आवश्यक है, बहुत ह्यूमन बीइंग होके उस तरीके से आपको व्यवहार जीवन में नम्रता, ह्यूमिलिटी हमारे बिहेवियर में हो, हम्बलनेस हो, नम्रता हो, ये आवश्यक है। लेकिन वो नम्रता इस सीमा तक ना पहुंच जाए कि एकदम प्रदर्शित हो ये नम्रता नहीं बल्कि बटरिंग कर रहा है। कई बार ऐसा अनुभव अपने को भी होता है, दूसरों को भी होता है। तो इस चीज का भी बैलेंस ये जीवन में बहुत आवश्यक है, और जहाँ ये सारे बैलेंस जो हम लोगों ने डिस्कस करे होते हैं ना, वहाँ फिर कोई समस्या भी होती है, वो समस्या का राइट सॉल्यूशन हमारे माइंड में राइट टाइम पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जीवन में आवश्यक है। कोई प्रॉब्लम है ना, उसकी तह में, न्यूक्लियस में जाना, जैसे कहा जाता है कि स्टॉर्म ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म, आपने सुना होगा, समुद्र है, तूफान आ रहा है बहुत तेज, और वो तूफान में बड़ी डगमग हो रही है, लेकिन वो स्टॉर्म जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वहाँ पर अगर हम किसी तरह पहुँच जाते हैं, अपने शिप को ले जाते हैं, वहाँ बिल्कुल साइलेंस होता है, वहाँ बिल्कुल कोई प्रकार के टर्बुलेंस नहीं होती और कोई तूफान नहीं होता और वहाँ सेफ्टी होती है। ऐसे ही बाहर जीवन में कई बार एकदम टर्बुलेंस आता है, प्रॉब्लम आती है, समस्या, हम एकदम उग्र हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अगर हम उसकी तह में जाएं, उसके न्यूक्लियस में जाएं, आई ऑफ द स्टॉर्म में, आई में, वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है और वहाँ पर हमें राइट सॉल्यूशन तुरंत उसका अनुभव होता है जी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आई तक पहुँचना, क्योंकि स्टॉर्म है ना चारों तरफ, तो उस लिए स्टॉर्म में से माइंड को निकाल करके, और ये मेडिटेशन के द्वारा बड़ा सहज रीति से हो सकता है। मेडिटेशन मींस यू डिटैच योर माइंड, जैसे हमने एक बैलेंस डिस्कस किया था, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, करेक्ट। तो कोई जगह जब हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उस जगह कुछ थोड़ी सी भी बात हमारे अगेंस्ट अगर होती है ना, हमें एकदम तुरंत महसूस होती है। किसी के साथ हमारा बहुत अटैचमेंट है, उसका थोड़ा सा भी अगर कुछ अकुशल हुआ, कोई तकलीफ हुई, उससे ज्यादा असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारा उससे बहुत अटैचमेंट है, इन्वॉल्वमेंट हमारा है लाइफ का। तो इसीलिए मेडिटेशन हमें सिखाता है कुछ समय के लिए डिटैच होना, और वो डिटैच करने की भी विधि मेडिटेशन में सिखाई जाती है, किस तरीके से हम उसको, स्वयं को डिटैच करें, और डिटैच करने से क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन तुरंत उससे एस्टेब्लिश हो जाएगा जी। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है, पुरानी बात एकदम बार बार वो याद आती है, पास्ट का, पास्ट से निकलना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक टास्क है। पुराने जमाने, मुझे मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था ना, अभी तो ये सारे होते हैं इसलिए इसमें बातें, उसमें रिकॉर्ड चलता था, ऊपर साउंड बॉक्स में सुई लगी होती थी, सुई लगाते थे, रिकॉर्ड घूमता था, आवाज निकलती थी, सुना होगा आपने, देखा होगा। लेकिन कभी कभी वो रिकॉर्ड जब पुराना हो जाता था ना, एक जगह सुई फंस गई, तो बार बार वही आवाज निकलती थी, बड़ा अच्छा म्यूजिक भरा है, लेकिन जहां पर वो अटक गई वो म्यूजिक निकलता, वो बड़ा इरिटेटिंग जैसा महसूस होता था, है ना। ऐसे ही ये भी हमारा माइंड अटक जाता है कहीं, क्लॉटिंग, हार्ट की क्लॉटिंग का तो हम जानते हैं भाई, इस वजह से बड़ी है हार्ट की क्लॉटिंग, ब्लड सर्कुलेशन को थिन करना है आदि आदि, लेकिन थॉट्स की क्लॉटिंग जब हो जाती है, थॉट की, विचार की क्लॉटिंग, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, ब्रेन की क्लॉटिंग या हार्ट की क्लॉटिंग से भी। क्योंकि वो विचार हमें बार 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 परेशान करेगा, जब हम चेतन में होंगे, कॉन्शियस में होंगे, जब सोने जाएंगे, नींद में होंगे, अचेतन में होंगे, हर जगह वो क्लॉटिंग ऑफ थॉट हो गई। तो वो क्लॉटिंग ऑफ थॉट ना हो, या उससे कैसे निकले, वो आवश्यक है। उसके लिए थोड़ा सा ऐसी प्रैक्टिस करना, ब्रेन को ट्यून करना कि वो पुरानी बातों को भूल सके, और भूला कैसे जाएगा पुरानी बातों को, जब नई बातों को उसमें ना, जैसे बात हो रही थी भाई अंधकार हुआ, अंधकार को निकालेंगे तो नहीं निकलेगा,
स्विच ऑन प्रकाश को कर देंगे, लाइट को, तो अपने आप अंधकार भाग जाएगा। अपने आप अंधकार भाग जाएगा। ये क्लॉटिंग भी कैसे निकलेगी, जब क्योंकि पुरानी किसी बात पर वो क्लॉटिंग अटकी हुई है, उसके कंपैरिजन में कोई नई बात, उससे ज्यादा पावरफुल बात, वो बार बार हम इंड्यूस करेंगे ना, तो वो क्लॉटिंग निकल जाएगी और वो रिकॉर्ड आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो एनर्जी की ज्यादा आवश्यक है उस समय, पॉजिटिव, वो मेडिटेशन से आती है, उसी के अंदर यही कहा जाता है, भाई मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, अपने कुछ जो समान है आत्मा के ना, मैं विजयी आत्मा हूँ, हमेशा मैंने इस परिस्थिति पर विजय पाई है, आज भी पा रही हूँ और हमेशा पाती रहूँगी। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेवलपमेंट हो, अपने अंदर ये टेंडेंसी, मैं विक्टोरियस हूँ, विजयी हूँ, ये जितना हम इंड्यूस, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा इसको एब्जॉर्ब करता जाता है और धीरे धीरे जितना जितना सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुस जाएगी ना, तो हमारे सपने में भी नींद में भी ये बात आएगी और हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत पावरफुल होता चला जाएगा जी। ये जो विशेष सर्किल बन गया ना, ये वॉइसलेस सर्किल बन जाएगा, और जहाँ पर भी वॉइसलेस, वॉइसलेस माने विकारों रहित, निगेटिव टेंडेंसीज से परे परे, हाँ, तो उन वैसा हो जाएगा ना, तो बस कहते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी आजकल है, जितने ये सब वायरलेस हैं, लेकिन आवश्यकता आज ये है वॉइसलेस टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी माने हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर ना विकार यानी निगेटिविटीज जो प्रभाव डालते हैं वो निकल जाए, तो वॉइसलेस हो जाएगा। निगेटिव इज बिगेस्ट वॉइस, निगेटिवनेस, और जितना निगेटिवनेस निकल गया उतना फिर पॉजिटिव का प्रादुर्भाव होगा, इंट्रोड्यूस होगी, तो वॉइसलेस होता जाएगा, और जितना जितना वॉइसलेस होता जाएगा उतना उतना गुण जो है आत्मा के अंदर वो बढ़ते जाएंगे, शक्ति आती जाएगी। इसी हाँ, तो इसीलिए ये आवश्यक है आज वो, कि हम अपने को ये निगेटिविटी से परे करते जाएं और बैलेंस लाइफ में मेंटेन करते जाएं, और जितना बैलेंस मेंटेन होता रहेगा उतना उतना सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, ये वास्तव में हमें अनुभूति होती जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। धन्यवाद दोस्तों। सफलता जिसके बारे में कई सारे लोगों ने कई सारी राय दी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है कि सफलता हमारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, और बैलेंस जिसके बारे में आज हमने पूरे एपिसोड में बात की, बैलेंस कई तरह के होते हैं। हम कहीं ना कहीं लाइफ में असंतुलन को अपनी एक राय बना करके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि बैलेंस में ही सच्ची खुशी है। अगर हमारी लाइफ बैलेंस्ड है तो हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। इस बात के साथ आज के एपिसोड को हम एंड करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति।